गर्मियों में घूमने का मन बना रहे हैं तो ये खबर आपके बहुत काम की है। भारत का सबसे खूबसूरत राज्य हिमाचल आपका इंतजार कर रहा है। प्रदेश की खूबसूरती, बर्फ से ढके पहाड़, सुहावना मौसम और आकर्षक जगह से रूबरू होने के लिए हिमाचल का रुख करें। यहाँ की निर्मल झीलें, ऊंचे पहाड़, प्राचीन मंदिर, प्राचीन बौद्ध मठ पर्यटकों का स्वागत करते हैं। पर्यटक ऊंची ऊंची घाटियों और पहाड़ियों के साथ हिमाचल की प्राकृतिक खूबसूरती के दीदार कर शांति और सुकून पा सकते हैं। हिमाचल के कुछ एक ऐसे पर्यटन स्थल हैं जहां पर्यटकों की सबसे ज्यादा भीड़ देखी जाती है। हिमाचल एक ऐसा हिल स्टेशन है जहां आप शहरों के शोर शराबे से दूर कुछ समय के लिए शांति और सुखद माहौल के लिए आ सकते हैं। हिमाचल में कुल्लू मनाली सहित शिमला, धर्मशाला, डलहौजी और कसौली के हिल स्टेशन पर्यटकों की सारी थकान मिटा देते हैं। हिमाचल में प्रवेश करते ही पीर पंजाल और धौलाधार पर्वतमाला की बर्फ से ढकी पहाड़ियां आपका स्वागत करेंगी। मनाली देश के सबसे लोकप्रिय हिल स्टेशनों में से एक है। गर्मियों में बर्फ से ढका 13,050 फीट ऊंचा रोहतांग, मनमोहक नजारे, हरे भरे जंगल, खूबसूरत झीलें, शुद्ध हवा यहाँ की खासियत है। मनाली टूर आपके मन को शांति प्रदान करने के साथ साथ आपकी यात्रा को रोमांच से भी भरेगा। मनाली के पर्यटन स्थल आपको सौंदर्य में लीन करने के साथ साथ ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग जैसी अनेकों साहसिक गतिविधियों का भरपूर आनंद भी दिलवाएंगे। रोहतांग दर्रा 13,050 फीट की ऊंचाई पर स्थित रोहतांग दर्रा मनाली का अभिन्न अंग है। ये देश का पहला पर्यटन स्थल है जो जून में भी सैलानियों को बर्फ से रूबरू करवाता है। यहाँ दर्रे के अद्भुत दृश्य आपको अचंभित करेंगे। कोठी से लेकर रोहतांग तक के अतुलनीय नजारे आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि यहाँ जून में 5,000 से अधिक वाहन पहुँचने लगे थे। हालांकि NGT के निर्देश के बाद अब मात्र 1200 पर्यटक वाहनों को ही जाने की अनुमति है, लेकिन हिमाचल आ रहे हैं तो इस दर्रे के दीदार करना न भूलें। मनाली से इसकी दूरी 50 किलोमीटर है। हिडिम्बा, मनु ऋषि व वशिष्ठ ऋषि का मंदिर। मनाली स्थित यह सभी मंदिर मनाली के दर्शनीय स्थलों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हिडिम्बा मंदिर भीम की पत्नी हिडिम्बा को समर्पित है। ये बाकी मंदिरों की तुलना में एकदम भिन्न है। इसका प्रवेश द्वार लकड़ी से बना है व इसकी छत एक छतरी के आकार की है। मनु ऋषि का मंदिर मनु ऋषि से जुड़ा है। मान्यता है कि पृथ्वी पर जब प्रलय आई थी तो मनु महाराज की नाव मनाली आकर रुकी थी। ऋषि वशिष्ठ का मंदिर ऋषि वशिष्ठ से जुड़ा है। ऋषि ने यहाँ तपस्या की थी। यह मंदिर भी ऐतिहासिक है और धार्मिक आस्था का केंद्र है। ये सभी मंदिर शांति प्रिय यात्रियों के लिए एकदम उचित माने जाते हैं। हर तरफ शांति का माहौल व देवदार के लंबे लंबे पेड़ों का जाल बेहद खूबसूरत नजारा बनाता है। सभी मंदिर मनाली शहर से जुड़े हुए हैं तथा 2-3 किमी की दूरी पर है। सोलन घाटी। मनाली शहर आकर सबसे पहले आप सोलन घूमने का आनंद उठा सकते हैं। ये पर्यटन स्थल साहसिक खेलों का हब है। यहाँ आकर आप पैराग्लाइडिंग, घुड़सवारी, रोपवे, माउंटेन बाइक, स्नो स्कूटर जैसी गतिविधि का आनंद उठा सकते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोलन नाला में पैराग्लाइडिंग का आनंद लिया था। सोलन घाटी मनाली से 12 किलोमीटर दूरी पर ही है। यहाँ आसानी से पहुँचा जा सकता है। मणिकर्ण पार्वती नदी के तट पर बसा हुआ है। यहाँ स्थित ऐतिहासिक मणिकर्ण गुरुद्वारा हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। गुरुद्वारा हिंदुओं व सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल है। गर्म पानी के कुंड में डुबकी लगाकर आपको पवित्रता का एहसास होने लगेगा। सिखों की यह मान्यता है कि गुरु नानक जी ने यहाँ अनेकों चमत्कार किए। वहीं हिंदुओं की मान्यता यह है कि यहाँ शिव और पार्वती रहा करते थे, इसलिए मनाली के पर्यटन स्थल में इसकी बहुत मान्यता है। आसपास का वातावरण शांति और आध्यात्मिकता में लिप्त रहता है। मणिकर्ण कुल्लू से 40 किलोमीटर दूर है। नग्गर। जिला कुल्लू की राजधानी रही नग्गर भी सैलानियों की पहली पसंद है। यहाँ जगत पट व करोड़ों देवी देवताओं का वास भी है। धार्मिक पर्यटन स्थल होने के साथ साथ यह स्थल निकोलस रॉरिक से भी जुड़ा है। रॉरिक आर्ट गैलरी भी यहाँ आने वाले पर्यटकों की पसंद रहती है। यहाँ आकर सैलानी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं ऐसा ही वीडियो और बनाता रहूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।